हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैं के करंट अफेयर्स सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 30 मार्च 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसे अगले 5 वर्ष के लिए एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन ए साइरस मिस्त्री, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी राजेश गोपीनाथन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, आईटी प्रमुख टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बोर्ड ने राजेश गोपीनाथन को कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 5 साल के लिए फिर से नियुक्त करने की घोषणा की है। उनका दूसरा कार्यकाल 21 फरवरी 2022 से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 तक रहेगा। राजेश गोपीनाथन को पहली बार 2017 में टीसीएस के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी राजेश गोपीनाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भेल के बोर्ड में निम्न में से किसने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण कर लिया है? ऑप्शन ए उपेंद्र मथारू, ऑप्शन बी कपिल जायसवाल, ऑप्शन सी अनिल अग्निहोत्री, ऑप्शन डी मोहन अग्रवाल। देखिए, भेल के बोर्ड में उपेंद्र मथारू ने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले वे कार्यकारी निदेशक के रूप में भेल के विद्युत क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख थे। वे थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला से 1984 बैच के मैकेनिकल इंजीनियर स्नातक है। वे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से प्रमाणित ऊर्जा प्रबंधक और लेखा परीक्षक होने के अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो मार्केटिंग में स्नातकोत्तर डिग्री रखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा उपेंद्र मथारू। अब आपको भेल के बारे में बताना है, ठीक है, सारा डिटेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टेस्ट रैंकिंग में निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा, ऑप्शन बी हार्दिक पांड्या, ऑप्शन सी अक्षर पटेल, ऑप्शन डी रविचंद्रन अश्विन। देखिए, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर से नंबर 1 ऑलराउंडर की कुर्सी हासिल कर ली है। टेस्ट क्रिकेट की ताजा रैंकिंग में वेस्टइंडीज के दिग्गज जेसन होल्डर को पीछे छोड़ते हुए रविंद्र जडेजा फिर से नंबर 1 बन गए हैं। वहीं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजी की बात करें तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को नुकसान हुआ, जबकि पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने लंबी छलांग लगाकर टॉप 5 में अपनी जगह बना ली है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी कोलंबो, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही। यही नहीं, दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 35 भारतीय शहर है। 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में लगातार चौथे वर्ष नई दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी और चौथा सबसे प्रदूषित शहर के रूप में दर्शाया गया है। इसके बाद बांग्लादेश में ढाका, चाड में एंजामेना, तजाकिस्तान में दुबासे और ओमान में मस्कट का स्थान है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सरकार ने विधायक सौरभ भारद्वाज को किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए दिल्ली बिजली बोर्ड, ऑप्शन बी शिक्षा विभाग, ऑप्शन सी दिल्ली जल बोर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, दिल्ली सरकार ने विधायक सौरभ भारद्वाज को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वे ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में विधायक हैं। वर्ष 2013 में अरविंद केजरीवाल की 49 दिन की सरकार में वो मंत्री रह चुके थे। उनकी नियुक्ति राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक राघव चड्डा के स्थान पर की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा दिल्ली जल बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की किस महिला अर्थशास्त्री को यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए गीता गोपीनाथ, ऑप्शन बी जयंती घोष, ऑप्शन सी बीना अग्रवाल, ऑप्शन डी देवकी जैन।
देखिए भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयंती घोष को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रभावी बहुपक्षवाद पर एक नए उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया है। घोष यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स में प्रोफेसर हैं। वे पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में आर्थिक अध्ययन और योजना केंद्र के अध्यक्ष व अर्थशास्त्र की प्रोफेसर रह चुकी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा आपका जयंती घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एसीआई क्रिकेट बोर्ड यानी आईसीसी के अध्यक्ष जय साहा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। देखिए एशियाई क्रिकेट परिषद ने सर्वसम्मति से अपने अध्यक्ष जय साहा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। मार्च 2022 को एसीसी की वार्षिक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। जय साहा 2019 से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव हैं। साहा को पहली बार जनवरी 2021 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन की जगह एसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी सी होगा 1 वर्ष। इसमें भी मैंने आईसीसी कर दिया है, ठीक है, एसीसी होगा एशियाई क्रिकेट परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत ने नेपाल के नए राजदूत के रूप में भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए रवि नायक, ऑप्शन बी प्रमोद कुमार, ऑप्शन सी दीपक त्यागी, ऑप्शन डी शंकर प्रसाद शर्मा। देखिए नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने अर्थशास्त्री डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में राजदूत नियुक्त किया है। डॉक्टर शर्मा अमेरिका में नेपाल के राजदूत रह चुके हैं। उन्होंने 2002 और 2006 के बीच राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर शर्मा ने वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी है। वे हवाई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से पीएचडी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी शंकर प्रसाद शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक कौन से राज्य में किया जा रहा है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक फरीदाबाद हरियाणा में किया जा रहा है। यह मेला प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। हालांकि इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण शेड्यूल को संशोधित किया गया था। फरीदाबाद ने यह वार्षिक मेला आखिरी बार वर्ष 2020 में आयोजित किया गया था। मेले का आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन कपड़ा संस्कृति एवं विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। यह मेला वर्ष 1987 में कुशल कारीगरों के पुल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था जो कि स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये लोग सस्ते मशीन निर्मित उत्पादों के कारण पीड़ित थे। इस मेले को वर्ष 2013 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले के रूप में अपग्रेड किया गया था। सूरजकुंड मेला भारत में हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और एवं विविधता को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। वर्ष 2022 के लिए थीम स्टेट जम्मू और कश्मीर है तथा भागीदार राष्ट्र उज्बेकिस्तान है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में चर्चा में रहा कोयना बांध किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तराखंड। देखिए कोयना बांध महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। यह सतारा जिले के कोयना नगर में स्थित है। यह पश्चिमी घाट में चिपलून और कराड़ के बीच राज्य के राजमार्ग पर स्थित है। कोयना बांध कोयना नदी पर बनाया गया एक मलवा कंक्रीट बांध है। कोयना नदी सहाद्री पर्वत श्रृंखलाओं के एक हिल स्टेशन महाबलेश्वर से निकलती है। कोयना बांध पर कार्य वर्ष 1951 में शुरू किया गया था तथा पहली बार वर्ष 1962 में टरबाइन को स्थापित करने के लिए कार्य शुरू किया गया था। वर्तमान में कोयना जल विद्युत परियोजना का चरण 5 निर्माणाधीन है। बांध का मुख्य उद्देश्य पड़ोसी क्षेत्र के सिंचाई सुविधाओं के साथ जल विद्युत की आपूर्ति करना है।
कोयना बांध पश्चिमी महाराष्ट्र के साथ साथ कुछ पड़ोसी क्षेत्रों में जल विद्युत की आपूर्ति प्रदान करता है। यह भारत की स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई सबसे बड़ी सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक है। कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा संचालित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा आपका महाराष्ट्र। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।